शासन छठ पूजा की तैयारियों में जी जान से जुटा है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, जिसे देखते हुए राजधानी पटना में तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजधानी में छठ महापर्व के आयोजन को सफल बनाने के लिए छठ पर्व कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें 109 घाटों को 21 सेक्टर में बांटकर सेक्टर पदाधिकारियों के नेतृत्व में 21 टीमें तैयार की गई हैं। पदाधिकारी को छठ व्रतियों की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने खतरनाक घाटों को चिन्हित कर पोस्टर लगा दिए हैं जल मार्ग के द्वारा, और इसके बाद फिर लोग पैदल भी घाटों का निरीक्षण करते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग देखने जा रहे हैं किन किन घाटों पर कटाव की स्थिति है, खतरनाक है, और किन घाटों पर तैयारी की जा सकती है। और कुल 21 सेक्टर बनाए गए हैं, 21, और लगभग 109 घाट हैं पटना शहरी क्षेत्र में, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बाकी पूरे जिले में हम लोगों के लगभग 350 घाट रहते हैं, जिन पर हम लोग तैयारी कराते हैं। तो आज हम लोग पटना शहरी क्षेत्र का दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जितने घाट हमारे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं जल मार्ग के द्वारा। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि छठ घाट का निरीक्षण कर पुलिस बल की तैनाती और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को देखा जाएगा। महापर्व छठ पूजा के लिए पटना पुलिस पूरी तरह सजग है। जिला प्रशासन की पूरी टीम है, सभी संबंधित विभाग के लोग, हम लोग पहला भ्रमण आज कर रहे हैं, और आज के बाद हम लोग जो तैयारियां हैं छठ को लेकर उसको फुल स्विंग में लाएंगे। जो आदेश निकलने थे छठ घाट पे जो प्रभारी बनाए जाने थे, उनकी भी जो है उनका भी आदेश हमारा और जिला पदाधिकारी का संयुक्त आदेश निकल गया है। इसके अलावा जो दीपावली पे लक्ष्मी पूजा और काली पूजा होती है, पिछले साल के जो मूर्तियां स्थापित हुई और जुलूस थे, उसके आधार पे हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा और काली पूजा की तैयारियां भी शुरू कर दी। बिहार वासियों के लिए छठ सिर्फ एक त्योहार या उत्सव नहीं, बल्कि परिवार के एकजुट होने का बहाना भी है। बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी इस महापर्व में शामिल होते हैं। प्रदेश में तो यूं हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन छठ महापर्व की अपनी महानता और महत्व है। इसके लिए यह महापर्व का एक अलग ही भाव होता है। यह साल छठ पूजा का आरंभ 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ होगा, 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को संध्या अर्घ और 8 नवंबर को सुबह अर्घ के साथ महापर्व सम्पन्न होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से अंकुश की रिपोर्ट।